नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए ताकि वो अपने अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज कर सकें, साथ ही साथ उनको किन चीजों से बचना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, अस्थमा के काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप अपनी जीवन शैली के अंदर एक्सरसाइज को 30 मिनट जरूर दीजिए, और जिन पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने से अस्थमा ट्रिगर होता है वो लोग एक्सरसाइज माइल्ड लेवल की करें, एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़े नहीं, कम समय के लिए करें लेकिन जरूर करें, ठीक है, माइल्ड लेवल की करें। अब हम बात करते हैं कि किन चीजों से अस्थमेटिक पेशेंट को बचना चाहिए ताकि जो अस्थमा के एपिसोड्स हैं वो ट्रिगर ना हो। सबसे पहली चीज तो है आपको धूल मिट्टी से बचना चाहिए। अगर आप धूल मिट्टी वाले इलाके में जा रहे हैं या लेडीज जो घर में डस्टिंग का आप करने का काम सोच रही हैं, तो आप मास्क जरूर लगाएं। अस्थमा जो है डस्ट से ट्रिगर होता है। दूसरी चीज, जब पोलन हवा में ज्यादा हो, ठीक है, उस टाइम पे जरूर मास्क पहने क्योंकि पोलन से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। तीसरी चीज, अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है लाइक कैट है डॉग है, तो उनके जो फर्स हैं उनके फर जिनको हम एनिमल डेंडर्स बोलते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जब ये बाल झड़ते हैं आपके पेट जानवरों के वो भी अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अस्थमा के ट्रिगरिंग पॉइंट्स को आप ट्रिगर होने से बचा पाएंगे और अपने अस्थमा को मैनेज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के केस में दवा कैसे असर करती है होम्योपैथी में। देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए होती हैं। डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपको किस टाइप के सिम्टम हैं, कौन से सिम्टम कब ट्रिगर होते हैं, उनके बेसिस पे आपकी मेडिसिन और पोटेंसी डिसाइड की जाती है। जनरली आप देखें तो ब्लाटा ओरिएंटलिस होम्योपैथी की बहुत बेहतरीन दवा है। टिंचर के फॉर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें अस्थमा के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो सभी अस्थमेटिक पेशेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही यूजफुल हेल्थ की जानकारी और होम्योपैथी कैसे आपको मदद करेगी वो सब जानने के लिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।